हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आप सभी को हमारे संगीता न्यू ऑफिशियल पर दिल से स्वागत करती हूँ। और आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। अभी बज रहा है शाम का 6 और अभी मैं क्या बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। और आप लोग को पीना है तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए चाय पीने। और दोस्तों, मैं 2 दिन से ब्लॉग वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि मेरी बाबू को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। दोस्तों, उस दिन बाबू को गाड़ी को लेकर डॉक्टर के पास गए ना, वहाँ से आने में आप लोग को बताए ही 7:30 बज गया रात। और रात में खाना उना भी लेट खाए थे दोस्तों, इसके कारण बाबू बहुत ही, बाबू को उस दिन हवा लगा था ना, बाइक से गए थे तो बाबू को हवा लगा था ना बहुत। ऐसे भी तबीयत ख़राब था ही, उसे थोड़ा बहुत बुखार था ही। और मैं बाइक से गई, उस दिन जाना भी ज़रूरी था दोस्तों गाड़ी को लेकर, तो मैं गाड़ी को लेकर गई। और वो भी, उसको भी मैं कहाँ छोड़ दी, खुशी को, छोटी बच्ची है आप लोग समझ सकते, उसको भी हम कहीं छोड़ नहीं सकते थे, तो उसको भी ले जाना पड़ा दोस्तों। तो उसको भी हवा लगा ना बाइक पर, तो उसको भी तबीयत ख़राब हो गया। उधर से आए हैं शाम 7:30 बजे आए हैं, तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया। उसके बाद 12 बजे रात से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया मेरी बाबू को, खुशी को। तो इसके कारण मेरा 2 दिन तक ब्लॉग वीडियो नहीं आया, मैं नहीं वीडियो बना पाई क्योंकि समझ सकते हैं बच्चे को तबीयत ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। मुझे कुछ हो जाए पर मेरे बच्चे को ना हो, ऐसे हम सोचते हैं। और आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए। और इधर मेरा चाय बनकर हो गया है रेडी, तो आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी। तो मैं जा रही हूँ अब चाय छानने, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो दोस्तों, इधर देख सकते हैं चाय छना गया है और आप लोग भी आ जाइए पी लीजिए। और खुशी रो रही है, खुशी बेटा क्या हुआ है, इधर देखो मौसी लोग बुला रही है, इधर देखो मौसी लोग बुला रही बेटा। तो दोस्तों, गौरी देख सकते कैसे सोई है और खुशी बहुत बदमाशी कर रही है इधर, अभी अभी सो कर उठी है दोस्तों, इसी कारण ऐसा कर रही है। इधर देखो बाबू, इधर देखो लाला, इधर देखो। दोस्तों अभी बात नहीं करेगी, मिलते हैं दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पर। दोस्तों अभी देख सकते हैं, अभी हम जा रहे हैं दुकान गौरी को लेकर, देख सकते हैं गौरी है, तो क्योंकि बहुत रो रही थी इसके कारण इसकी दुकान अभी ले जाना पड़ा है। इसके पापा अभी दुकान गए थे ना दोस्तों, तो सामान सब लाने गए थे, तो इसको नहीं लेकर गए ना, ये सोई थी दोस्तों, इसके कारण इसको नहीं लेकर गए, सिर्फ खुशी को लेकर चले गए। तो ये उठ गई, जब तक वो आए तब तक ये उठ गई ना, तो इसके कारण ये बहुत रोने लगी। तो अभी मेरे को इसको लेकर जाना पड़ रहा है दुकान, देख सकते हैं, और देखते हैं क्या क्या खरीदाती है। तो आप लोग बने रहिए ऐसे हमारे वीडियो पर। तो इधर देख सकते हैं क्या क्या खरीद कर लाई है, ये वाला खरीदाई है मोटू पतलू, यही सब खाती है क्या बताए दोस्तों। और ये रिंग है देख सकते हैं, और सब अकेले ही लेकर बैठी है, देख सकते हैं इतनी ये स्वार्थी हो गई है, सब अकेले, खुशी को एक भी नहीं दी है और आई है और एक फाड़ कर देख सकते हैं ये खा रही है एक, और खुशी को नहीं दिए तो इसमें से थोड़ा सा हम निकाल कर दिए हैं, बहुत रो रही थी खुशी, दिखा रहे हैं आप लोग को खुशी। इधर देखो दिए हैं आपको, आपको दीदी दी है खाने के लिए, दी है आपको, तो देख सकते हैं दोस्तों इसे 2-3 निकाल कर दिए हैं, वही खा रही है, बाकी सब अकेले अपने लेकर बैठी है खा रही है। और अभी हमारे हस्बैंड जी क्या क्या ले आए हैं खरीद कर दिखा रही हूँ आप लोग को, बने रहिए। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं चावल लाए हैं, ये चावल है, चावल नहीं था। और इधर तक देख सकते हैं दाल है, और बाबू का डाइफर लाए हैं खरीद कर, और ये मुढ़ी है। और इधर देख सकते हैं प्याज काट रही हूँ, अभी जा रही हूँ दोस्तों पकौड़ा बनाने प्याज का। और इधर गौरी के लिए खिचड़ी बना दी हूँ, इधर देख सकते हैं दोस्तों खिचड़ी बनाए हैं गौरी के लिए, और यही सब लाए हमारे हस्बैंड जी सामान। और खुशी को लेकर चले गए थे, गौरी सोई थी तो नहीं लेकर गए थे, इसके कारण वो अब भी हमको लेकर ही गई दुकान, नहीं गए तो इसके कारण वो बहुत रो, नहीं जाते तो बहुत रोती, बहुत रोती, तो इसके कारण गए हैं, सोचे खरीद देते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं प्याज काट रही हूँ और इसका पकौड़ा जा रही हूँ बनाने, और आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए आप लोग भी जल्दी जल्दी, और चलते हैं आप लोग। तो दोस्तों सारा प्याज को छील लिए हैं, अब सारा काट लेती हूँ जल्दी जल्दी काट कर, और हम नहीं बनाएंगे, हमारे हस्बैंड बनाएंगे आज पकौड़ा, देखते और आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं वो। सिर्फ हम प्याज काट दे रहे हैं और मिर्ची वो काटेंगे, तब तक बाबू को हम खाना खिला देंगे और पकौड़ा वही छानेंगे। और दोस्तों मैं आपसे, आप लोग से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा
मिर्ची आप काटिएगा हमने। तो दोस्तों आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगता है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, और अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं भी लगता है तो भी कर दीजिएगा, और क्योंकि दोस्तों हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, और आप ही लोग पर मेरे को आशा है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। मैं अपनी स्थिति अभी क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत ही ख़राब है मेरी स्थिति, और मेरे बाबू अभी रो रही है पानी के लिए, एक सेकेंड आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों बाबू कुरकुरा खाई ना, वो जो खरीद कर लाई है रिंग वही खा रही थी, उसको तीखा लगा है तो पानी प्यास लगा, पानी मांग रही थी तो पानी देने चले गए थे। और दोस्तों आप लोग को बोले थे कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे कि मेरी बेटी के बारे में क्या हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको आप लोग को मैं बता दूँ, इसको 3 तारीख को मशीन भेटेगा, कान का मशीन। उस दिन गए थे तो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे जो मेरे पास नहीं था, बनवाना पड़ा सारा डॉक्यूमेंट्स इसका, तो सारा बनवाने में कम से कम लग गया 4-5 महीने। प्राइवेट से आप लोग समझ सकते, प्राइवेट से होता दोस्तों तो चुपिए ना जी, प्राइवेट से होता ना तो क्या होता है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पैसे से हो जाता सारा काम, और सरकारी में पता है हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए तभी होगा नहीं तो नहीं होगा। और हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं दोस्तों, ये नहीं कहते हैं कि हाँ हम लोग के पास ये नहीं है मतलब, पर अभी जैसा सिचुएशन है ना दोस्तों कि अभी में हम लोग का बुरा, बहुत बुरा हालत चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है अभी। हम लोग को क्या बताए दोस्तों, एक एक पैसे एक एक रुपये के लिए तरसना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। और उसी में से एक दोस्तों एक वीडियो डाले थे ना मिस्टर बिट्टू डॉट खुशी फन, उसमें किसी को मिर्ची लगी थी, जो मैं बोली हूँ ये सब बात जो खुशी के बारे मतलब खुशी के बारे में, तो किसी को मिर्ची लगी थी दोस्तों, तो वही एक सिस्टर ही है शायद, वो मेरे को कमेंट किया कि इतना गलत कमेंट किए दोस्तों, इतना गलत कमेंट किए कि कैसे आप लोग को बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि सिस्टर अगर आप किसी का दर्द नहीं समझ सकते हो ना तो प्लीज़ गलत कमेंट मत किया करो, क्योंकि मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मैं तो बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ मगर क्या बोलूँ, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ आ जाते हैं जो गलत कमेंट कर देते हैं, कोई तो नहीं बहुत सारे हमारे सिस्टर हैं जो बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किए हैं, क्यों रो रहे हैं, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें पढ़कर, दे दो रखवा दे दो बाबू। तो वही बता रहे थे दोस्तों, क्या ही बोले, छोड़िए रहने दीजिए, जिसको जैसा सोच वैसा कमेंट किया है कोई बात नहीं। तो बहुत दोस्तों बहुत ही बुरा लगा है पढ़कर, मैं तो बार बार वही सोच रही कैसे कमेंट किया है, और प्याज काट रहे हो ना दोस्तों तो आँख में आंसू आ रहा है, प्याज का झांस लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली सारा प्याज काट लिए देख सकते हैं, और इधर छिलका है सारा उठा लेते हैं, तो देख सकते हैं सारा प्याज काट लिए हैं, और मिर्ची है तो मिर्ची मेरा हस्बैंड काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे, और चलते हैं खुशी का खाना खिला देते हैं। तो दोस्तों इधर खुशी का खाना निकल गया है, अब चलते हैं खुशी को खाना खिला देते हैं, रो रही है उसको भूख लगा हुआ है। दोस्तों इधर देख सकते हैं खुशी खाना खा रही है, देख लीजिए क्या दिख। दोस्तों इधर देख सकते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी बनकर रेडी हो गया है, और हमारे हस्बैंड जी बनाए हैं, और किनको खाना है तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए सबसे पहले, और देख सकते हैं गरम गरम है, और इधर देख सकते हैं मुढ़ी निकाले हैं, और मुढ़ी और पकौड़ी जा रहे हैं खाने, और आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी खा लीजिए। तो फ्रेंड आप लोग आ जाइए खा लीजिए गर्मा गर्म पकौड़ी और मुढ़ी, और देख सकते हैं हम हस्बैंड, और हस्बैंड हमारे मच्छरदानी के अंदर है, बाबू भी इसके अंदर है, आना दिखाइए। हाँ और जा रहे खाने, आप लोग भी आ जाइए, देख रहे खुशी ताक रही है।
देख रही है प्याज तो दोस्तों इधर देखिए मुई धो के आगा मुई मूली हाँ इधर देखिए खुशी को ये पकौड़ी लेने गए। पता है दोस्तों खाना नहीं खाई है, खिचड़ी नहीं खाई, तू खिलाया तो खाई नहीं, पता नहीं क्यों। अरे 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 दोनों में लगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो अभी देख सकते हैं सुबह हो गया है और मेरा सारा काम हो गया है और मैं अभी खाना चढ़ा दी हूँ, ये चावल दाल चढ़ा दी हूँ और अभी मैं छत पे आई हूँ, मेरी बाबू उठ गई है, मैं नीचे जा रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं नीचे आ गई हूँ, देख सकते हैं खाना चढ़ा दी हूँ, ऊपर गई थी दोस्तों धूप के कारण, पर देखिए धूप भी आ गया है ऊपर में, नीचे में तो बहुत मुश्किल होता है। और मेरी बाबू रो रही है, देख सकते हैं। आ रे बेटा। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं खुशी उठ गई है और गौरी उधर देख सकते हैं सो रही है अभी भी, और इधर हमारे हस्बैंड है, देखते हैं। सुबह सुबह नहाए हैं और अभी काम पर भी नहीं गए। काम पर कब जाइएगा अजय, काम पर कब जाइएगा? नहीं आ रहा थी। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरी खुशी उड़ गई है। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग बोल दो, बोलो हेलो मौसी लोग, बुआ लोग, चाचू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बोल दो, पूछ लो। और दोस्तों अभी हमारे हस्बैंड काम पर भी नहीं गए हैं, सुबह सुबह नहा लिए हैं, उनको ठंड लग रहा है, तो अभी 9 बज गया है, अभी तक काम पर भी नहीं गए हैं। देखते हैं कब जा रहे हैं, और आज हो सके तो खुशी का ठंडी का कपड़ा भी खरीदने जाना है दोस्तों, क्योंकि इसका सब अगले साल वाला है, वही पहना रही हूँ, छोटा हो गया है ना, तो वही पहना रही हूँ, अभी नहीं जा पा रही थी क्योंकि पैसा नहीं हाथ में था इसी कारण, और आज सोच रहे होगा तो जाएंगे आज, अभी उतना कंफर्म नहीं बता सकते कि जाएंगे ही बाबू का कपड़ा वपड़ा खरीदने, देखें क्या होता है। तो फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग एक छोटा सा कमेंट करके बता दीजिएगा, और हमसे कहीं गलती होती होगी तो सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, और हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कहाँ हमसे गलती हो रही है, अपना गलती को सुधार करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।